देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें हमारे पास है डिवाइड एक्सप्रेशन है 6x^5 प्लस 18x^4 माइनस 3x² बाय 3x². इससे पहले जो हमने क्वेश्चन लिए दोनों वो सिंपल मोनोमियल थे, उनके बीच में कोई साइन नहीं था, प्लस या माइनस नहीं था, ठीक है। अब हमारे पास ट्राइनोमियल है, ये तीन क्वांटिटीज है यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल हो गया, तीन टर्म्स है यहाँ पर, तो दिस इज अ ट्राइनोमियल एंड दिस इज मोनोमियल। इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल दूंगी। अगर हमारे पास लेट्स से एक्स माइनस वाई प्लस जेड अपॉन 5 है, ठीक है, तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं, हम सेपरेट करके भी लिख सकते हैं जेड अपॉन 5। हमने क्या किया, टर्म को इंडिविजुअली सेपरेट कर लिया। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम ऐसा क्यों लिखें, तो आप वापस से इसका एलसीएम लें तो यू विल गेट द सेम टर्म। सो दिस इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ टर्म्स, ठीक है। ये चीज को आपको ध्यान रखना होगा जब भी आप इस तरह का डिविजन सॉल्व करेंगे। अब देखिए 6x^5 प्लस 18x^4 माइनस 3x² डिवाइड है, मीन्स अपॉन है 3x². अब यहां हम कैसे डिवाइड दें, ये अलग टर्म है, ये अलग है, ये अलग है, इनके बीच में ऑपरेशन अलग है, तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो अगेन हम वो क्या करेंगे, जो मैंने आपको इस साइड में मेथड ऑफ सेपरेशन बताया है वो अप्लाई करेंगे। 6x^5 अपॉन 3x², ऐसा आप लिख सकते हैं इजीली, ठीक है, अपॉन 3x². सिमिलरली यहां भी आप ऐसा लिख सकते, ये आपने क्या अप्लाई कर दिया, सेपरेशन मेथड, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखिए डिवाइड देना कितना इजी हो जाएगा। आई एम रविंग दिस प्रॉपर्टी, कभी भी किसी की पावर जीरो हो तो इक्विवेलेंट टू 1 होता है, ठीक है। नाउ इसके बाद जो आपका स्टेप होगा, नंबर से नंबर का डिवाइड हो जाएगा, तो 3 2 6, सो यू विल गेट 2, बेस सेम है तो पावर विल सब्ट्रैक्ट, 5 माइनस 2, पहला टर्म क्लियर हो गया, प्लस सेकेंड टर्म में 3 6 18, ये आप कैंसिलेशन सिंपल कर सकते हैं, 3 6 18, 3 2 6, एंड यहाँ पे 3 and 3 विल कैंसिल, ठीक है। x^4 माइनस 2, क्योंकि डिविजन की प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की, बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। थर्ड में हमारे पास x^2 माइनस 2, देखिए डिविजन कन्वर्ट हो गया है ना 2, x^3 बिकॉज 5 माइनस 2 इज 3, 6, x^2 बिकॉज 4 माइनस 2 इज 2, एंड यहां पर आपके पास आया 0x^0। सारा एप्लीकेशन इसके अंदर अप्लाई हो गया है, किसी की भी पावर 0 तो वो आंसर क्या होगा, 1। सो दिस इज योर फाइनल आंसर आफ्टर डिविजन ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। बहुत सिंपल है डिवाइड करना, बस आपको क्या ध्यान रखना है कि हमें सेपरेशन करना आना चाहिए। एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन लें जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि सेपरेशन हमें कैसे करना है। अनदर वन इज 20x^y प्लस 12x^y² माइनस 10xy बाय 2xy। सबसे पहले क्वेश्चन को क्या करेंगे, डिविजन के फॉर्म में लिखेंगे, x³y प्लस 12x^2y² माइनस 10xy बाय विल कन्वर्ट इनटू अपॉन 2xy, फाइन। नाउ क्या करेंगे हम डिवाइड को सॉल्व करने के लिए, सेपरेशन मेथड लगाएंगे, टर्म सेपरेट कर दी हमने, ठीक है, प्लस 12x^2y² अपॉन 2xy माइनस 10xy अपॉन 2xy, सिंपल मेथड ऑफ सेपरेशन।
नंबर विल सॉल्व विथ नंबर, सो टू टेन्स आर 20. बेस सेम है x के, तो पावर क्या होगी आपकी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी. कोई इनके बीच में कोई साइन नहीं होते, मतलब मल्टीप्लाई होते हैं. आप देखिए यहाँ पर आपके पास दो तरीका है, आइदर यू कैन कैंसिल डायरेक्टली y y, और यू कैन राइट पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड. दोनों का मीनिंग सेम है, जो आपको करना है आप वो कर सकते हैं. 2 6 are 12, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 6 x टू द पावर 2 माइनस 1, y टू द पावर अगेन 2 माइनस 1. ठीक है, नाउ 2 5 are 10, फिर से आपको बताऊंगी, आप चाहें तो एक्स वाई पूरा कैंसिल आउट कर सकते हैं क्योंकि सेम है, और अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप पावर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दोनों में कोई चेंजेस नहीं आएंगे. ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप विल बी 10, 3 माइनस 1 मीन्स x टू द पावर 2, y टू द पावर 0. फर्स्ट टर्म सॉल्व हो गई है, सेकेंड टर्म 6 x टू द पावर 2 माइनस 1 इज 1, सिमिलरली y की भी पावर 1, माइनस 5 x टू द पावर 0, y टू द पावर 0. फाइन, नाउ 10 x स्क्वायर, किसी की भी पावर 0 हो तो वो क्या होता है, 1. 6xy, बिकॉज हम 1 पावर को नहीं लिखते, प्रेफरेंस नहीं देते, 1 into 1. पूरा सिंप्लीफाई हो गया है, सो अब आप फाइनल आंसर लिख सकते हैं, 10x square plus 6xy minus 5, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई चेंज नहीं आएगा आंसर पे. तो डिवीजन को सॉल्व करना है अगर हमें, चाहे वो मोनोमियल हो, पॉलिनोमियल हो, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, कुछ भी एक्सप्रेशन दिया है, और अगर हमें उसे एक मोनोमियल के साथ सॉल्व करना है तो हमें मेथड ऑफ सेपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा. तो स्टूडेंट, हमने प्लस माइनस इनटू डिवाइड की इनफ प्रैक्टिस कर ली है, अब हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे. जो हमारा मेन चैप्टर था, इट वाज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड इट्स आइडेंटिटीज, तो अब हम आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे. सो दोस्तों, अभी हमने डिवाइड का क्वेश्चन देखा, पहले हमने दोनों टर्म मोनोमियल, या न्यूमरेटर भी मोनोमियल था, डिनोमिनेटर भी मोनोमियल था. जैसे हमने कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया, लेट से वी हैव दिस, सो दिस इज अ मोनोमियल, दिस इज अ मोनोमियल. उसके बाद हमने और एक एग्जांपल लिया जो था, लेट से हमारे पास बाइनोमियल है, तो हमने इसे मेथड ऑफ सेपरेशन से सॉल्व किया. हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई प्लस y स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, राइट. इसके बाद ट्राइनोमियल टाइप कुछ लिया, कुछ भी आप ले लीजिए जो आपकी मर्जी, जैसे ये क्वेश्चन है x, तो आपने इसे कैसे सॉल्व करेंगे, x अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस x क्यूब अपॉन x. नोटिस करने वाली चीज यहाँ पर जो थी, ऊपर न्यूमरेटर में चेंजेस आया, बट डिनोमिनेटर मोनोमियल, मतलब सिंगल टर्म थी. ठीक है, अब हमारे पास अगर कोई ऐसे सिचुएशन आ जाए कि नीचे भी बाइनोमियल हो, तब हम कैसे सॉल्व करेंगे, या ट्राइनोमियल हो तब हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे. अगर आप कहें मैम सिंपल है, इन्हें भी हम सेपरेट कर देते हैं, आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. तो लेट से आपने इसे सेपरेट कर दिया, माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, बट इससे अब हमें क्या फायदा मिलेगा, कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि सेपरेट होने के बाद भी कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है या सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है. तो ऐसी सिचुएशन जब हमारे पास डिनोमिनेटर, मींस न्यूमरेटर के बारे में हम बात नहीं कर रहे, डिनोमिनेटर इटसेल्फ आइदर बाइनोमियल और ट्राइनोमियल या पॉलिनोमियल कुछ इस तरह से हो, तब हम क्या करेंगे. उससे पहले मैं एक बार आपको रिकॉल कराऊंगी कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल क्या होते हैं. ठीक है, मोनोमियल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोनोमियल जिसमें सिंगल टर्म हो, सिंगल टर्म, और यू कैन से ओनली वन टर्म. लेट से आई हैव रिटन एक्स, सो दिस इज अ मोनोमियल. माइनस एक्स मीन्स अगेन दिस इज अ मोनोमियल. माइनस एक्स वाई, तब भी ये मोनोमियल है. एक्स स्क्वायर वाई
अभी भी दिस इज अ मोनोमियल. आई एम राइटिंग एक्स वाई जेड स्क्वायर, इट्स अगेन मोनोमियल, क्योंकि अभी इनके बीच में प्लस या माइनस नहीं आया है, बीच में. ठीक है ना. बाइनोमियल एग्जाम्पल लेंगे. बाइनोमियल मीन्स जिनमें दो टर्म हो. ठीक है, एक्स प्लस वन, नाउ इट इज अ बाइनोमियल. माइनस एक्स माइनस टू, अगेन इट इज अ बाइनोमियल. कुछ भी ले लीजिए, माइनस एक्स वाई प्लस एक्स. अब यहां पर दो दो टर्म है, वन टर्म सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म. जिनमें दो टर्म होंगी, दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस आर कॉल्ड बाइनोमियल. नाउ ट्राइनोमियल. ट्राइनोमियल मीन्स जिनमें थ्री टर्म्स हो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और यू कैन राइट एक्स माइनस टू माइनस एक्स स्क्वायर. और कुछ ले लीजिए आप, जो आपकी मर्जी, एक्स स्क्वायर माइनस फोर वाई प्लस वन, सॉरी फोर एक्स क्यूब प्लस वन, कुछ भी ले लीजिए. मीन्स नाउ दे आर हैविंग थ्री टर्म, तीन टर्म है, सो दिस इज ट्राइनोमियल. अब इससे ज्यादा जब टर्म होती है, तो फोर टर्म होंगी, फाइव टर्म होंगी, सिक्स टर्म होंगी, तो उनके लिए कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, तो हम उन्हें कहेंगे पॉलीनोमियल. पॉली मीन्स बहुत सारी. दो टर्म है तो हमने उनको नाम दे दिया स्पेसिफिक, बाइनोमियल. सिंगल टर्म है तो हमने उसे स्पेसिफिक नेम दे दिया, मोनोमियल. थ्री तक हमने नेम दे दिया, ट्राइनोमियल. बट अब इससे ज्यादा है तो विल से पॉलीनोमियल. पॉलीनोमियल मीन्स तीन से ज्यादा, बहुत सारी. ठीक है. अब ये टर्म जब आपको क्लियर हुई, तब आप कोई एक्सप्रेशन लें और उसको ध्यान से देखें. लेट से आई हैव दिस एक्सप्रेशन. सो पहले तो ये ट्राइनोमियल है क्योंकि इसमें तीन टर्म है, बट इसके अगर अरेंजमेंट देखें तो ये कुछ प्रॉपर सी नहीं लग रही है. इसको हम अगर अच्छे से लिखें तो हमें इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहिए. ये सबसे बिगर टर्म है, एक्स टू द पावर टू, में इसकी डिग्री क्या है, टू, तो ये हमने पहले लिखा. इसकी पावर वन है, मीन्स इसकी डिग्री क्या है, वन, तो इसे हमने बाद में लिखा. एंड वन जो है वो इसमें एक्स ही नहीं है, सिंपल कॉन्स्टेंट है, तो उसे हमने बाद में लिखा. आप खुद डिसाइड करिए कि कौन सा आपको वेल अरेंज्ड लग रहा है. ऑब्वियस है ये अरेंज लग रहा है. ठीक है, तो हमें अगर कोई एक्सप्रेशन ऐसे कुछ डिफरेंट फॉर्म में दिया है, तो हमारा सबसे पहले जो रूल होगा वो हम उसे क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करेंगे. कुछ और ले लीजिए, लाइक आई हैव एक्स टू द पावर फोर माइनस वन प्लस टू एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर. कुछ गलत इसमें नहीं है, बट अगर हम इसे अरेंज कर सकें तो वो ज्यादा बेटर होगा. तो देखिए मैं आपको इसको अरेंज करके बताती हूँ. टू एक्स माइनस वन, नाउ इट इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, सबसे पहला x टू द पावर 4 बिगर पावर थी तो वो पहले लिख दी, उसके बाद x की पावर 3 वाला टर्म लिख लिया, फिर 2 वाला, फिर 1 वाला, एंड फिर जिसमें x ही नहीं है. सो दिस इज कॉल्ड अरेंजमेंट, मींस डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंजमेंट कर लिया. अभी आपको मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलीनोमियल क्लियर हुआ, एंड आपको साथ में ये क्लियर हुआ कि हमें इसे रीअरेंज करना चाहिए. अगर वो प्रॉपर फॉर्म में नहीं है तो हमें उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहिए. एक्सप्रेशंस को कैसे अरेंज करना है ये हमें अब क्लियर हो चुका है. ठीक है, अब हम एक डिवीजन लेंगे. क्यों इसकी रिक्वायरमेंट थी अब आपको समझ में आएगा. लाइक आई हैव 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाय x प्लस 1. सबसे पहले तो हम क्या नहीं कर सकते वो देखेंगे. 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1. आपको इमीडिएटली क्लिक होगा, मैम आपने इससे पहले तो हमें मेथड ऑफ सेपरेशन बताया था, तो हम इसे ऐसा क्यों नहीं कर सकते. तो मैं इसे सेपरेट करके आपको दिखा देती हूँ. ठीक है, x प्लस 1 सेपरेट तो ये हो गया, बट अब इसके बाद ये कैसे सॉल्व होगा, ना ये कैंसिल हो रहा है ना कुछ हो रहा है, तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे. तो देखा जाए तो ये डिवाइड तो हमारा हुआ ही नहीं. ठीक है, तो हम अब ऐसा नहीं करेंगे, बिकॉज डिनोमिनेटर में अगर मोनोमियल नहीं है तो हम इसे सेपरेट के थ्रू सॉल्व नहीं कर पाएंगे. मोनोमियल अगर ये होता, सिर्फ x होता, तो ये फर्दर सॉल्व हो सकता था.
बट हेयर इट इज बाइनोमियल। तो अब हम क्या करेंगे, एक्चुअल डिविजन जो हमारा होता है नंबर्स का, वैसा प्रोसीजर फॉलो करेंगे। पहले मैं आपको एक सिंपल सा डिविजन करा दूँ। लेट से आई हैव 15 एंड आई वॉन्ट टू डिवाइड बाई 2, देन वॉट आई विल डू, हम 15 ऐसा टेबल चूज करेंगे कि 15 आ जाए या उससे कम, फिर उसके बाद हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब ये नंबर छोटा आ गया है तो हम यही रिमाइंडर छोड़ देते हैं, अगर ये नंबर बड़ा होता तो हम आगे फर्दर डिविजन करते। डिविजन के स्टेप्स यही होते हैं, सेम मेथड जो होगा वो हमारा पॉलिनोमियल में भी अप्लाई होगा। पहला तरीका जो होगा कि हमारा पॉलिनोमियल जो है वो अरेंज होना चाहिए 2x² + 3x + 1। बाय चांस ये पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑलरेडी अरेंज है, अगर ये अरेंज नहीं होता तो हम इसे सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो स्टूडेंट, डिवीजन की पहली स्टेप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की होगी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में पॉलिनोमियल को अरेंज करिए, बट इन दिस क्वेश्चन इट इज ऑलरेडी अरेंज, तो यहाँ पर हमें पेन नहीं लेना पड़ा कि इसे अरेंज करना है। अभी हमने सिंपल डिवाइड जैसा इसे लिख दिया है, जैसे हमने अभी 15 में 2 का डिवाइड दिया वैसे ही अभी हमने इस क्वेश्चन को लिख दिया। यहाँ पर हमारे पास ये पूरा एक बाइनोमियल है, मतलब एक पूरा फैक्टर है x + 1। हम ऐसा नंबर चूज करेंगे x में मल्टीप्लाई करने पे हमें 2x² मिले। कब मिलेगा स्टूडेंट, अगर हम 2x चूज करें, 2x हमने चूज किया, मैं इसे रफ में आपको करके बताऊंगी। यहाँ पर है हमारे पास x, डिवाइड हम दे रहे 2x से, तो हमें ये मल्टीप्लाई होके क्या मिलेगा, 2x² मिलेगा। बट हमारा सिर्फ यहाँ पर x नहीं है, हमारा क्या है x + 1, हमने जो नंबर चूज किया है वो 2x है, तो हमें मिलेगा x का मल्टीप्लाई 2x से होगा एंड 1 का भी 2x से होगा। सो फाइनली यू विल गेट 2x² + 2x। यहाँ पर बाइनोमियल होने से हमें दो रिजल्ट मिलेंगे। 15 में हमने 2 का डिवाइड दिया था तो हमने इजिली 2 7 14 कर दिया था, ठीक है, बट यहाँ पर नंबर नहीं है, यहाँ पर वी हैव बाइनोमियल। बाइनोमियल है तो हमने जो भी टेबल चूज करी उस टेबल का इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो हमने किया 2x का मल्टीप्लाई जब इससे होगा सो वी विल गेट 2x² + 2x। उसको मैंने आपको रफ में सॉल्व करना बता दिया तो अब मैं इसे रफ कर देती हूँ, ठीक है। अब हमारा डिवीजन का प्रोसेस कहता है जो भी डिवाइड देने पे आया वो सब्ट्रैक्ट होता है। मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल आपके लिए लिख देती हूँ, लाइक 17 है और हम 2 से डिवाइड दे रहे हैं, तो हम क्या करते हैं 2 8 16, देन वी सब्ट्रैक्ट दिस, यही करते हैं। तो सेम हम यहाँ पर करेंगे, हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। स्टूडेंट यहाँ पर दो टर्म है तो जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों टर्म के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा। लेट्स से यहाँ माइनस होता तो ये प्लस हो जाता, मीन्स ऑपोजिट साइन हो जाएगा। जैसे हमारे पास 2 8 16 आया तो हम ये माइनस लगाते, मीन्स ये 16 प्लस का था तो हम उसे माइनस करके सब्ट्रैक्ट करते हैं। सेम प्रोसीजर हम यहाँ भी करेंगे। अब यहाँ आप ध्यान से देखिए, ये 2x² है, ये भी 2x² है, बट ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और यू कैन से सब्ट्रैक्ट होके जीरो हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा वो देखिए, यहाँ पर प्लस का 3x है एंड माइनस का 2x है। माइनस का क्यों है, बिकॉज हमने इसके साइन चेंज किए थे, और साइन चेंज क्यों किए, क्योंकि डिवाइड से जो भी आपका डिवाइड देने से आया है उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो हमने ले लिया एंड 1 हमारा एज इट इज कॉपी हो गया। नाउ ये हमारा सॉल्व हो जाएगा, तो मैंने आपके लिए लिखा था 3x - 2x डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा, 3x - 2x सॉल्व होके आपको रिजल्ट देगा x। ये स्टेप एक्स्ट्रा स्टेप था जो आपके से समझने के लिए था। यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे, प्लस का 3x माइनस का 2x विल गिव यू x + 1, फाइन। अब हमारे पास ये आ गया, यहाँ पर ये था। अब जैसे हम यहाँ देखते हैं 1 अब छोटा आ गया है तो हम आगे डिवाइड नहीं दे पाते हैं, बट अगर यहाँ 1 की जगह लेट से 10 होता या कुछ 11 होता तो आप फर्दर डिविजन करते,
या यहाँ पर टू होता तब भी आप डिवाइड करते, मीन्स छोटा हो तभी आप डिवाइड को स्टॉप करते हैं। यहाँ पर x प्लस वन है, यहाँ भी x प्लस वन है, मीन्स ये दोनों इक्वल है, छोटा नहीं आया है, स्मॉल नहीं आया है। जब ये दोनों इक्वल है तो अभी आगे और डिवाइड होगा। हमें x लाना है और यहाँ भी x है, तो हम ऐसा नंबर चूज करेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने से ये आ जाए। x प्लस वन में वन का जब मल्टीप्लाई होगा सो इट विल गिव यू x प्लस वन। फिर वही डिवीजन का प्रोसीजर, जो भी आता है हम उसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का था तो ये माइनस हो जाएगा, सिमिलरली ये प्लस का था तो ये माइनस हो जाएगा, ये एक्स एंड ये माइनस एक्स क्या हो जाएंगे कैंसिल, ये वन एंड ये माइनस वन फिर कैंसिल एंड ये रिजल्ट इज जीरो। ठीक है, रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो। अब आगे फर्दर डिवाइड होगा क्या, नहीं, बिकॉज रिमाइंडर क्या आ चुका है, जीरो। डिवीजन हम जब तक करते हैं जब तक रिमाइंडर बच रहा है और वो भी छोटा नहीं है। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा डिवीजन आपको अजीब सा लगेगा, बट हम इसके तीन चार सम और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर होगा कि हमें कैसे डिवाइड करना है। फिर भी एक बार मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ हमने जो नंबर चूज किया है, लेट से यहाँ पे 2x है, तो ये 2x का इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा एंड दो टर्म रिजल्ट में मिलेंगे। फिर हमने 1 चूज किया है, तो इस 1 का इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। जब 1 का x से होगा तो इट विल गिव यू x, जब 1 का 1 से होगा सो इट विल गिव यू 1, राइट। उसके बाद एज पर डिविजन रूल हम साइन चेंज करेंगे, जो भी यहाँ साइन था उसका अपोजिट साइन हमें मिलेगा, और अगर ये फिर आगे कैंसिल हो रहे हैं तो हम कैंसिल कर देंगे, ऐड हो रहे हैं तो ऐड कर देंगे, जो भी हो रहा है वो प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो कि हमें डिवाइड कैसे करना है। सबसे पहला स्टेप, एज आई टोल्ड यू, अगर पॉलिनोमियल ऑर्डर में नहीं है तो हमें उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है।